आज हम आपसे कुछ बेहतरीन सवाल पूछेंगे। आप इनमें से कितने का जवाब दे सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक टोकरी सेब से भरा हुआ रहता है। इसमें से आधा बेच दिया जाता है और इस बचे हुए आधे सेबों में से एक तिहाई हिस्सा खराब होने के कारण फेंक दिया जाता है। अब हमारे पास सिर्फ 20 सेब बचे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि शुरुआत में हमारे पास कितने सेब थे? इसका जवाब है, हमारे पास शुरुआत में 60 सेब थे। आधा बेचने के बाद हमारे पास 30 सेब बचे और उसमें से एक तिहाई हिस्सा फेंक देने पर, यानी 10 सेब फेंक देने पर हमारे पास 20 सेब बचते हैं। इस तरह से इस पहेली का जवाब हमें मिल गया। अगला सवाल है, एक हॉल में 45 कुर्सियां रखी हुई है। आपको हॉल में कुर्सियां को सजाना है। कंडीशन यह है कि आपको एक लाइन में उतनी ही कुर्सियां लगानी है जितनी लाइन आप कुर्सियां बिछाएं। तो सवाल यह है कि आप कितने लाइन लगा सकते हैं और उसमें से कितनी कुर्सियां बच जाएंगी। तो आइए हम इसका जवाब जानते हैं। इन 45 कुर्सियों में से हम 6 लाइन लगा सकते हैं और हर 6 लाइन में 6 कुर्सियां होंगी। हर लाइन में 6 कुर्सियां होंगी तो इस तरह से हमारे पास 36 कुर्सियां लाइन में लग गई। बाकी बच गई मेरे पास सिर्फ 9 कुर्सियां। इस तरह से इस पहेली का जवाब हमें मिल गया। तीसरा सवाल है कि एक पानी की टंकी को फुल करने के लिए हमें 5 लीटर वाला बाल्टी को 12 मर्तबा पानी डालना पड़ता है। उसी तरह इस टंकी को फुल करने के लिए 4 लीटर वाले बाल्टी से हमें कितनी मर्तबा पानी डालना पड़ेगा? आइए इसका जवाब जानते हैं। जैसे कि 5 लीटर वाला बाल्टी से 12 मर्तबा डालते हैं, इससे पता चलता है कि टैंकी है 60 लीटर की टैंकी है। तो इस 60 लीटर की टैंकी को फुल करने के लिए 4 लीटर वाली बाल्टी से हमें 15 मर्तबा पानी डालना पड़ेगा, तब हम इस 60 लीटर की टैंकी को फुल कर सकते हैं। आज का आखिरी सवाल, आप 5 में से 2 किस प्रकार निकालेंगे कि आपके पास 4 बच जाए? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। 5 को हम सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। इसमें से F और E, ये दोनों लेटर निकाल देने पर हमें रोमन नंबर मिल जाता है और ये रोमन नंबर है 4। इस प्रकार हमें 4 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर देखें